नमस्कार हम बानी जी कुमार और सब चालू कर दे बानी नेक्स्ट तक भोजपुर देखें। तो ये आज हम बात करब एगो भोजपुरी सिनेमा जना फिल्म का नाम बा मेरी सास पहले आप। हाँ तो भैया मेरी सास पहले आप फिल्म के फाइनल रिलीजिंग डेट आ गई बटे। तो फिल्म में का हुई कि तरीके हुई सब कुछ थोड़ा सा हमने के जान ले ली। चलिए सबको देख जाने खाते हो काम करी चैनल बनाए बने भैया सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी सब कुछ कर दी। चलिए हमने वीडियो को चालू कर लिया जो ना फिल्म के नाम बा मेरी सास पहले आप। तो मेरी सास पहले आप फिल्म बी फोर यू के अब बी फोर यू तो भैया आप पेटेंट करा ले बा कि भैया सास को तो ये वाली जौन फिल्म है ना वो हमें आई। देखो ये हम नहीं कहते ना, इस संदीप भैया खुदे अपन फेसबुक पोस्ट में पोस्ट डाल के बता चुकल बड़न कि देखो सास पुतोही के जौन भी फिल्म आई वो हमारा नाम के पेटेंट बटे भैया हमारे हो सकेला कहानी और क्योंकि हो नहीं कर सकते कहे कि सास पुतोही के झगड़ा और दर दियादिन के झगड़ा भाई भाई के झगड़ा ये हम ही देखा सकनी कहे कि हम खूब कैले बने और ये हमारे रग रग में संस्कार में खून खून में बसेला ए लिए हम ये कर सकतनी और ये कुछ नहीं कर सकतनी ये खुद संदीप सिंह बता चुकल बड़न। और साथ में ही उनका कदम में कदम मिला के चले वाला कार्यक्रम अब मंजुल ठाकुर भी कर चुके हैं। हाँ मंजुल ठाकुर भी कर चुके हैं। अब तो फाइनली फिल्म के निर्माता संदीप सिंह के साथ मंजुल ठाकुर बड़ा। देखिए भोजपुरी सिनेमा के ना अब गजब टाइप के कैटेगरी हो गए बटे। हाँ गजब टाइप के कैटेगरी हो गए बटे कि अब गिनल चुनल ही ऐसा ऐसा डायरेक्टर वालों जो उनकी सिनेमा हाल खातिर फिल्म करे हन लोग बाकी हई 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 बालो ये खाली टी वी ओवी खातिर फिल्म करे हन लोग और बाकी हई हई बालो वो यूट्यूब खातिर फिल्म करे हन लोग। तो फाइनली टी वी और यूट्यूब के दुनिया के डायरेक्टर मंजुल ठाकुर भी बन चुके बड़न। हाँ टी वी और यूट्यूब के डायरेक्टर भी मंजुल ठाकुर बन चुके बड़न। अब फाइनली कुछ ऐसा डायरेक्टर लोग कि बताओ सिनेमा हॉल में उनकर फिल्म बैले रिलीज टी वी में रिलीज ना होला लेकिन मंजुल ठाकुर के फिलहाल में ऐसा नहीं हो पाओ। तो फाइनली अब ये फिल्म का ऐसा अब जब बात सास और आपके बाटे तो फिल्म में सास आप सास दयादिन के नोक झोंक कहें कि अभी मंजुल ठाकुर के पिछला अगर कई सारा फिल्म उठा के देख लेना तो बाकी सास 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 के ही इर्द गिर्द रहता और सास पतोही के इर्द गिर्द रहता और सास पतोही में जितना भी नोक झोंक झगड़ा बा एकरा अलावा कुछ भी नहीं के रहत। और जब यहाँ से पूछबो कि भैया फिल्म कैसन मत तो यहाँ कहें जाए कि भैया साफ सुथरा हमने कितना साफ सुथरा फिल्म बनाते जाके फैमिली ड्रामा का मतलब फैमिली के संगे बैठ के देख सक। तो फाइनली अब फैमिली के संगे बैठ के देखी इंजॉय करी और कुल भुला जी कि जाके सिनेमा हॉल में सीटी मारे के बाद पॉपकॉर्न खाए के बाद दोस्तों के संगे इंजॉय करके बाद वो तरह के फिल्म मंजुल ठाकुर के का गला अब हाथ से बहुत दूर बा पकड़ से बहुत दूर बा सोच समझ से बहुत दूर बा अब तो जौन बाटे ये बाटे यही में इज्जत बचा के रख ले रहे के बाटे। तो फाइनली ये फिल्म के कहानी अरविंद तिवारी जी में अब अरविंद भैया बता दे कि ऐसा कहानी और अरविंद भाई के हाथ ना हो नहीं कह सकते भाई हम खुद ऑस्कर दिलवाओ चाहते नहीं अरविंद तिवारी जी के भैया के तीन चार गो ऑस्कर मिलो और खूब गर्दा करो सच बताओ थे। और बाकी में काजल रघवानी जी बानी और तमाम तरीका के स्टार कास्ट लोग हमें भरल बालो चाहे कि फिल्म में हीरो का हुए उससे कोनो फर्क नहीं है पड़े के सब करेक्टर आर्टिस्ट बाकी सब फिल्म कंप्लीट बा। तो 6 जुलाई के 8 बजे सुबह फिल्म भैया ट्रेलर रिलीज हुई भोजपुरी हाँ बी फोर यू के भोजपुरी पर देखी इंजॉय करी न्यूज़ तक भोजपुरी भी देखते रहे बाकी हम जीत।